गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। आज हमने स्टडी कर रहे हैं प्रोसेसर ऑफ इंटरनल ऑडिट। ओके, आप ऑडिटिंग कर रहे हो ना अच्छे से? 90 वीडियोस डल चुके हैं ऑडिटिंग की, तो आपने अगर पहले चेक नहीं की तो वीडियोस पढ़ लिया करो। कुछ नहीं ज़्यादा, 10 मिनट आपको देने होते हैं डेली, क्योंकि आपका ही, अगर आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग तो आप पक्का पढ़िएगा, क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा है। अगर आप ऑडिटिंग को साथ साथ केवल 10 मिनट अगर अपने बिजी शेड्यूल में से निकालें तो वो बहुत अच्छी बात है। आप ऑडिटिंग पढ़िए, और आप जो कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे मैं सारे देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है, बने रहिए। तो ऑडिटिंग हम शुरू कर रहे हैं आज, प्रोसेसर ऑफ इंटरनल ऑडिट। हम इंटरनल ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कुछ स्टाफ एम्प्लॉयज को एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद वो जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका काम होता है कि वो अदर स्टाफ मेंबर्स के, बाकी सबके एग्जामिनेशन करेगा, बुक्स को, अकाउंट्स को, बाकी उसके अंदर सारी वही ड्यूटीज, वही राइट्स बन जाते हैं जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर के होते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर हमने अपॉइंट कर दिया, तो अब हम कह रहे हैं, तो इंटरनल ऑडिटर जब हमने अपॉइंट किया तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कौन सा ऐसा प्रोसेसर होना चाहिए जो फॉलो करके वो अपना काम इजिली कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को ऐसा ये प्रोसेसर होता है सबसे पहले जो ये फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाटएवर हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो कहता है जब भी आप इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जिस पार्ट पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, या जिन ट्रांजेक्शन पे, जिस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना है, या जो इन्वेस्टिगेशन करना है आपको, आप किस चीज के लिए यहाँ पे आपको हमें इंटरनल ऑडिटर बनाया है हमने, तो क्या एरिया, क्या पर्पज है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो एरिया पर्पज आपको दिया गया, सबसे पहले वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपको किस तरीके से करना है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ का, किस एरिया में करना है। तो यही कह रहे हैं, व्हाटएवर हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो कुछ भी आपको इन्वेस्टिगेटेड करना दिया गया, मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, उसको सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करो कि आपको इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करना है, ऑडिट करना है। सेकेंड थिंग आ जाए, आफ्टर दिस, ये करने के बाद जो भी पॉलिसी, टेक्निक्स और प्रोसेसर होता है कंट्रोल का, वो फिर क्लियरली डिफाइन करो, यानी क्या पॉलिसी है, क्या टेक्निक्स है, या फिर क्या प्रोसेसर चल रहा है आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर, यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट को सुधारने के लिए अंदर ही अंदर कौन से पॉलिसी फ्रेम कर रखे हैं, उसने क्या टेक्निक को यूज करा है, और क्या प्रोसेसर है कि कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये सेकंड पॉइंट करना है, और थर्ड पॉइंट में कहता है सेलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शंस। अब ऑडिटर को क्या करना है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शंस को उठाना है, जैसे टेस्ट चेकिंग में करते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक एक ट्रांजेक्शन को चेक ना करके कुछ ट्रांजेक्शन को उठाए, और फिर उन ट्रांजेक्शन को अंदर से बिल्कुल डीपली जाके एक एक ट्रांजेक्शन को स्टडी करना कि क्या इसमें कोई एरर एंड फ्रॉड तो नहीं है, पूरा अच्छे से चेक करना, वाउचिंग करके उसको बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करना। जिन सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को आप उठाओ तो ये ध्यान रखना कि इस जो ट्रांजेक्शन आप उठा रहे हो, दूसरे ट्रांजेक्शन यानी कि बाकी जो अदर ट्रांजेक्शन, जिन जैसे कि आपने 5 ट्रांजेक्शन में से कोई 2 ट्रांजेक्शन आपने उठाई है, तो वो जो 2 ट्रांजेक्शन आपने उठाई है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी बाकी 3 को भी वो रिप्रेजेंट करें। यानी अगर आप उन 2 ट्रांजेक्शन को चेक कर लो तो आपको ये श्योरिटी हो जाए कि बाकी की जो 3 ट्रांजेक्शन बच गई वो भी ठीक होंगी। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन आप उठा रहे हो वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, दूसरे को रिप्रेजेंट करने वाले, और फिर उनको आप अच्छे से चेक करो कि अगर वो सही है तो फिर आप ये मान लो कि दूसरी जो बच गई, जो हमने चेक नहीं की, वो भी सही होंगी, ठीक है। कहते हैं थोरोली एग्जामाइन बिगिनिंग टू द एंड, जो ट्रांजेक्शन आपने उठाए उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छे से आप चेक करोगे। एग्जामिनेशन करना है डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का, कंफर्मेशन लेटर्स जो होते हैं, फिर उनके बाद एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, थर्ड पार्टी का किस तरीके के साथ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी आपने देखना है। आपने क्या क्या करना है, वाउचिंग आपने करनी है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपने चेक करना है, जो कन्फर्मेशन लेटर्स आपको तक भेजे गए हैं उन सबको आप चेक करोगे, फिर आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप आपस में कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल, लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज है और मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉयज है वो आपस में मिलके कुछ एरर एंड फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। रिलेशनशिप कैसा है उनके बीच में, यानी अगर उनको ऊपर से कोई सुपीरियर उनको कोई काम देता है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स करता है, तो क्या वो अपना काम कंप्लीट करते हैं टाइम पे या नहीं करते, फिर वो इस बात को चेक करेगा, ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे की बातों को वो समझ पाते हैं या फिर नहीं पाते, या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, कोर्डियल रिलेशनशिप तो नहीं है, ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। थर्ड पार्टी के साथ भी वो रिलेशनशिप चेक करेगा किस किस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ हमारे रिलेशनशिप चल रहे हैं, यानी सप्लायर के साथ कैसा है, कस्टमर के साथ कैसा है, किस तरीके से हम सामान बेचने में इजिली आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को,
या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेसिकली ये होता है इंटरनल ऑडिटर को ही जब रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी तो उसे बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या लूप होल्स हैं, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे फर्दर ग्रो कर सके, ठीक है। तो आगे ये फिर आगे फिफ्थ पॉइंट में कहता है एरर्स। एरर्स टू टाइप के, वो दो कैटेगरी में डिवाइड करें एरर्स को, एक तो मेजर एरर जो बड़े बड़े एरर्स हैं, दूसरे अदर एरर। कहते हैं ऐसे क्यों करें, देखो एरर तो सिंपली मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनली मिस्टेक, यानी जानबूझ के तो मिस्टेक की नहीं गई कि आप उनको जाके पकड़ लोगे, तो कहते हैं कि अनजाने में की गई गलतियां। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर छोटी मोटी गलती है तो उसको अदर एरर में डालो, अगर बड़े ज्यादा एरर कर दिया यानी दो तीन जीरो, जैसे कि वन बाय चांस सोचो कि 1 crore लिखना था, ठीक है ठीक है, और उसने क्या किया पीछे वाले 2 0 ही मिस कर दी, ठीक है 10,000 छोड़ दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये मेजर एरर है, तो इसको आपने मेजर एरर में काउंट करना है। और अदर एरर अगर बाय चांस क्या होता है, यहाँ पे 10,000 की जगह उसने कितना मतलब 9500 इतना रिकॉर्ड कर रखा होता, तो फिर उसको हम अदर एरर में लेते हैं। तो कहते हैं जब आप इस तरीके से क्लासिफाई कर दोगे तो जो मेजर एरर आया, जो बड़ा एरर है, उसकी फिर डिटेल लिखो, यानी क्या डिटेल है, क्या क्या यानी किस तरीके से वो एरर हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स लिखो। देन उसके बाद उसके होने के कारण क्या है, कॉजेस, इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर आपने ऐसा कर दिया वो। देन उसके बाद पीपल जो रिस्पॉन्सिबल है वो एरर करने का, वो कौन एम्प्लॉयज है, उसको भी पकड़ो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी मिस्टेक की वजह से ये एरर हुआ है, ठीक है। और बाकी अदर एरर्स पे हम डाल देंगे जिनके एरर्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लास्ट में कहते हैं कि रिपोर्ट सबमिट करानी है, अब जो इंटरनल ऑडिटर उसने रिपोर्ट सबमिट करानी है मैनेजमेंट को, तो कहते हैं जो रिपोर्ट सबमिट कराएगा इंटरनल ऑडिटर वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। बड़े इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बिजी मैनेजर है, वो चेक करना चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, देखा भाई यार इतने सारे पेजेस, 100 pages 200 pages कैसे चेक करें, यानी रिपोर्ट है ऐसे दी जाती है रिपोर्ट, रिपोर्ट को थोड़ा समरी फॉर्म में दो, यानी कि थोड़ा कंसाइज फॉर्म में दो ताकि उसकी क्वालिटी भी मिस ना हो और जो आप कहना चाह रहे हो वो मैनेजमेंट को इजीली समझ आ जाए और वो अपने मैनेजमेंट को के ऊपर अपना फोकस करें, उन चीज के ऊपर जो उसकी कमियां है, शॉर्ट कमिंग्स है, तो उनको दूर करने की कोशिश करें मैनेजर्स। तो कहते हैं इस तरीके से आपको ना तो ज्यादा लंबी रिपोर्ट देनी है ना इतनी छोटी करने की, समझ ही ना आए आपने क्या लिख दिया, यानी कि उसकी क्वालिटी ही मिस हो जाए, जो आप कहना चाहते हो वो कह ही ना पाओ। तो कहते हैं कंसाइज फॉर्म में लिखो, क्लियर लिखो और उसकी क्वालिटी मिस नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको रिपोर्ट सबमिट करानी है, ठीक है इंटरनल ऑडिटर को। नाउ उसके बाद सो दैट क्यों करानी है, ताकि डेफिशिएंसी जो होती है सिस्टम में वो रिमूव की जा सके, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियां हम दोबारा ना करें या फिर कुछ कमियां रह गई है उनको सुधारा जा सके। तो आज हमने स्टडी किया प्रोसेसर ऑफ इंटरनल ऑडिट, होप यू लाइक इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।